सो गाइज, हम पढ़ने जा रहे हैं पिजन होल थ्योरी। तो पिजन होल थ्योरी के बारे में समझेंगे हम। तो पिजन होल थ्योरी क्या है? पिजन होल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? वो है सामन के द्वारा। सामन के द्वारा पिजन होल थ्योरी दी गई है। उन्होंने थ्योरी दी, उसको पिजन होल थ्योरी एज अ माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज, उनका मतलब कहना है कि, उनका ये कहना है कि जो टॉट है, टॉट, लॉ ऑफ टॉट कहते हैं, लॉ ऑफ टॉट होता है कि टॉट्स होता है, तो वो कहते हैं टॉट्स होता है। सामान का क्या कहना है कि वो टॉट्स होता है, टॉट नहीं होता। हम क्योंकि पिजन होल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इनका कहना है कि टॉट्स होता है, सिंपल। तो टॉट्स होता है तो उसके बेसिस पे बताया है पिजन होल थ्योरी। तो हमारा जो पिजन होल जो है, लाइक ये हमारे पिजन होल्स, बनाता हूँ, ये हमारे इतने सारे पिजन होल्स समझ लो, ठीक है। इस पिजन होल में हमारा दे रखा है ट्रेसपास, ठीक है। यहाँ ट्रेसपास दे दिया, यहाँ पे कहते हैं बैटरी दे दिया, यहाँ पे असोल्ट दे दिया, यहाँ पे डिसीट दे दिया, डिफेम दे दिया, नेग्लिजेंस दे दिया, मतलब ऐसे दे दिया। तो मतलब ये टॉट्स हैं, टॉट्स क्या हैं? स्पेसिफिक हैं। टॉट्स क्या हैं? स्पेसिफिक इंजरीज के लिए। तो मतलब ये जो पिजन होल्स हैं, तो सब क्या हैं? लेबल्ड एज अ, सबके ऊपर ईच कंटेनिंग लेबल्ड टॉट्स, ये सब टॉट लेबल्ड है कि इसमें ट्रेस पास है, इसमें, मतलब ये पिजन होल थ्योरी का मतलब ये मेन है। तो सब में कुछ ना कुछ है हर पिजन होल्स में। तो जो हमारा प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ, तो जो हमारा प्लेंटिफ है, अगर इसने जो भी इसके साथ रॉन्ग हुआ है, जो भी इसके साथ रॉन्ग हुआ है, उसने अगर इस किसी पिजन होल में अगर फिट कर दिया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है या ये हुआ है या ये हुआ है, तो जब भी माना जाएगा कि इसके साथ कोई टॉट्स हुआ है, और इसके साथ कोई रॉन्ग हुआ है जब भी डिफेंडेंट को कंपनसेशन या फिर जो भी होगा वो देना पड़ेगा, कंपनसेशन ही देना पड़ता है इसमें तो है। तो टॉट्स और पिजन होल इससे रिलेटेड है, सिंपल यही है पिजन होल थ्योरी में, कि आपका ये हो पिजन होल्स हैं, इसमें किसी में भी प्लेंटिफ ने अगर फिट कर दिया तो रॉन्ग माना जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो नहीं माना जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्रिटिसिज्म कहीं ऐसा है कि, और ना ही कोई नया बनेगा, ये भी कहना था इनका। तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करा गया है, क्रिटिसाइज़ करा गया, मतलब इनकी थ्योरी को। तो क्रिटिसाइज़ किसने करा है? क्रिटिसाइज और सपोर्ट भी करा है डॉक्टर जेंक्स ने, डॉक्टर जेंक्स, जेंक्स। तो इनका कहना है कि जो कोर्ट है, जो कोर्ट हमारी, ये हमारा कोर्ट है, तो कोर्ट कोर्ट जो हमारा कैन मेक, वो क्या करती है, वो बना सकती है टॉट, वो टॉट को, टॉट्स को बना सकती है। जैसे हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बना था, और भी नए नए जुड़े थे इसमें, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और रेंसन फ्लेचर के केस में। तो टॉट्स क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट्स बना सकती है, पर वो जब बना सकती है, जब वो सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे किससे, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग टॉट्स से, जो पहले से टॉट्स हैं उससे सिमिलर होने चाहिए, तभी वो बना सकती है कोर्ट। इनका भी ऐसे कहना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय तो एग्जिस्टिंग है नहीं है, सब बन रहे हैं। तो टॉट, तो इनका मेन मतलब सामान का यही था। मैं बाकी आपको एक जो मैंने लिखा हुआ है वो भी दिखा दे, ये देखिए आप, सिंपली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, पिजन होल थ्योरी, दिस थ्योरी इज गिवन बाय सामन। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो लॉ ऑफ टॉट, बट देयर इज अ लॉ ऑफ टॉट्स।
ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि टॉर्ट्स है, नो कि टॉर्ट है. अकॉर्डिंग टू हिम द लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिम द लाइबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ, मतलब इस लॉ के अंदर, अराइजेस ओनली व्हेन द रॉन्ग इज, व्हेन द रॉन्ग इज, जब रॉन्ग जो होगा कवर्ड बाय एनी वन और द नॉमिनेट टॉर्ट्स, जो पहले नॉमिनेट कर रखे हैं टॉर्ट्स के लिए कि ये टॉर्ट्स हैं और कोई टॉर्ट्स नहीं है, अगर उसके अंदर का कवर्ड हो गया तो आपका लाइबिलिटी अराइज होता है, अदरवाइज नहीं होगा. और देयर इज़ नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है. एंड इफ द प्लेंटिफ, इफ द प्लेंटिफ कैन प्लेस हिज रॉन्ग, देखिए पिजन होल कहा गया, इफ द प्लेंटिफ जो है कैन प्लेस हिज रॉन्ग इन एनी पिजन होल, मतलब वो किसी पिजन होल्स में अगर प्लेस कर दिया, ईच कंटेनिंग अ लेबल, जो ईच है सब में लेबल लगा हुआ टॉट का, ईच कंटेनिंग अ लेबल टॉट, ही विल सक्सीड, वो क्या है प्लेंटिव जीत जाएगा. सो देयर इज दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज अ पिजन होल थ्योरी, ठीक है. इफ देयर इज नो पिजन होल, अगर वहाँ पे कोई पिजन होल नहीं है, इन विच प्लेंटिव्स केस कुड फिट इन, मतलब उसका प्लेंटिव्स का जो केस है वो फिट नहीं हो सका उन सब किसी प्ले पिजन होल्स में, तो द डिफेंडेंट हैज कमिटेड नॉट आउट, डिफेंडेंट जो होगा फ्री हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू सामन तो सामन कहते हैं जस्ट एज द क्रिमिनल लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉ है हमारा कंसिस्ट जुड़ा हुआ है उसमें बॉडी ऑफ रूल्स है, तो इस्टेब्लिशिंग क्या होते हैं, क्या स्टेब्लिश स्पेसिफिक ऑफेंसेस, स्पेसिफिक ही ऑफेंसेस हैं क्रिमिनल लॉ में भी, कि अगर ये सॉरी सो तो अगर स्पेसिफिक ऑफेंसेस होते हैं कि अगर ये वाला ऑफेंस हुआ तो उसके लिए ये पनिशमेंट है, ये हुआ तो कुछ उससे अलग हुआ तो नहीं होगा, स्पेसिफिक ऑफेंसेस. सो द लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज, तो ये कहते हैं स्पेसिफिक इंजरीज भी होती हैं कि अगर ये इंजरी हुई तो इसका ये होगा, ये इंजरी हुई तो इसका उससे अलग हुआ तो नहीं होगा. तो एक क्रिटिसिज्म है सपोर्टेड डॉक्टर जेंक्स, द कोर्ट कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स बट दे शुड बी सिमिलर टू एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स, ठीक है. Maybe you guys will understand.